महासमुंद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का धमतरी कांग्रेस भवन में प्रथम नगर आगमन हुआ। महासमुंद लोकसभा सीट से कांग्रेस ने इस बार छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में ये सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। बता दें कि ताम्रध्वज साहू दुर्ग लोकसभा सीट से आते हैं, ऐसे में वो महासमुंद लोकसभा के लिए बाहरी प्रत्याशी हैं, जिसको भाजपा मुद्दा बना सकती है। वहीं इस सवाल को मीडिया द्वारा जब पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता श्यामा चरण शुक्ल और विद्या चरण शुक्ल जैसे नेता चुनाव लड़कर जीत चुके हैं, जबकि तीनों ही इस लोकसभा के निवासी नहीं थे। ऐसे में बाहरी प्रत्याशी वाला कोई मुद्दा ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। कि महासमुंद एक ऐसा बढ़िया क्षेत्र है जहाँ ये हाई प्रोफाइल सीट है महासमुंद लोकसभा क्षेत्र आपका। मैं बहुत समय से देखते आ रहा हूँ, माननीय विद्या चरण जी शुक्ल रायपुर में रहते थे, लेकिन महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के 6-6 बार सांसद बने। पुरुषोत्तम कौशिक जी भी रायपुर में रहते थे और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद यहाँ की जनता ने निर्वाचित किया। श्यामा चरण शुक्ल जी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। आदरणीय अजीत जोगी जी भी रायपुर रहते थे लेकिन यहाँ के सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो यहाँ की जनता निर्वाचित करती है बड़े बड़े फिगर को। हालांकि मैं उनके जैसा बड़ा फिगर तो नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, पर यह अवसर मुझे मिला है महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की धमतरी क्षेत्र की जनता की सेवा करने का। मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे अवसर दिया है और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा यहाँ अच्छे से अच्छा रिश्ता बना सकूँ, सबसे मिलजुल सकूँ, आपस में भाईचारा समरसता का वातावरण बना सकूँ। सामान्य सीट में एससी एसटी को भी लड़ा दिया जाता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको ओबीसी सीट माना जाए, ऐसा कोई बात नहीं।